उज्जैन जिले में बसों द्वारा लगातार हो रहे एक्सीडेंट को देखते हुए उज्जैन प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने बस संचालकों पर शिकंजा कसा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लाखों श्रद्धालु रोजाना दर्शन करने आते हैं, कई श्रद्धालु एक्सीडेंट के भी चपेट में आ जाते हैं। ऐसे हादसे अक्सर देखने को मिलते हैं। दो दिन पहले इंदौर रोड पर वाणेश्वरी ट्रेवल्स की यात्रियों से भरी बस एक खड़े ट्रक में जा घुसी थी, जिसमें 9 से 10 पैसेंजर घायल हो गए थे। ऐसे कई हादसे रोजाना उज्जैन जिले में हो रहे हैं। इन हादसों का मुख्य कारण तो यह है कि बस ड्राइवर व क्लीनर ज़्यादा से ज़्यादा सवारी बैठाकर बस मालिक को खुश करने में लगे रहते हैं। एएसपी रूपेश कुमार द्विवेदी ने बस ऑपरेटरों को एक दर्जन से अधिक बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है, और यह भी कहा गया है कि इन बिंदुओं पर अमल नहीं करेंगे तो बस की परमिशन भी निरस्त की जा सकती है। इधर एडीएम आरपी तिवारी ने टोल संचालकों को विशेष निर्देश देते हुए कहा कि हाईवे पर कई जगह डिवाइडर पर लगे पौधों को भी छटवाने के लिए टोल संचालकों को कहा गया है। ऑपरेटर्स की और टोल प्लाजा के संचालकों की बैठक की गई थी, और उसमें जो मुद्दे थे कि एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं उसमें तेज वाहन चलाने के कारण और जो सुरक्षा मापदंड है उनका पालन करें, यह सुनिश्चित करने के लिए इनको निर्देशित किया गया है। और ये भी कहा गया है कि वो एम्बुलेंस और ट्रेन जो आवश्यकता है उसको प्लाजा में उपलब्ध रखें, और ओवरटेक करने का ओवरलोडिंग नहीं करें, इस तरह के निर्देश दिए गए ताकि जो दुर्घटनाएँ होती हैं उनसे बचे जा सके।